किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है जी न्यू होलैंड 4710। ये फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर है और भाइयों आप आज आपको इस ट्रैक्टर की हम 8 फुटे शक्तिमान के रूटावेटर पे परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो भाइयों जो भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाइयों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। भाइयों 2700 cc का ये इंजन है और 47 HP इस ट्रैक्टर की मतलब कि हॉर्स पावर है 47 HP। तो भाई अगर इसके इंजन की बात करूँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये सिम्पसन के इंजन है इस ट्रैक्टर में, जो कि मैसी में भी आता है और कुछ होलैंड के ट्रैक्टर में भी आता है और आइसर 380 है वो उसमें भी सिम्पसन का इंजन ही आता है। तो वैसे जो इंजन है ये फ्यूल एफिशिएंट इंजन के नाम से जाना जाता है कि जो सिम्पसन का इंजन है ये फ्यूल कम लेता है। लेकिन इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि होलैंड का अपना अलग पंप कैलिब्रेशन है और मैसी का अलग है, सब में इनका फ्यूल में फ़र्क है। तो भाई वो वीडियो ज़्यादा मतलब कि ना ज़्यादा बात करते तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई साहब चला के दिखाएंगे, मैं पहले लो में चला के दिखाएंगे कि ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो भाइयों अब भाई पहले गियर में चला के दिखाते हैं इसे। तो देखो मिट्टी काफी इकट्ठी हो रही है, आगे टायरों तक मिट्टी आ रही है ट्रैक्टर के। काफी जानदार ट्रैक्टर है। और भाई से बोलेंगे कि दूसरे में गेर के चला के दिखाओ। भाई साहब दूसरे में दिखा दो, अब दूसरे में चलाएंगे भाई साहब। ट्रैक्टर धुआं दे रहा है देखो, वैसे क्योंकि पुराना भी हो गया है लेकिन 8 फुट का रूटावेटर अच्छे से खींच रहा है। मिट्टी कहां तक जा रही है, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी है, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे जो ट्रैक्टर है ये काफी पुराना ट्रैक्टर है। भाई जिसके पास ये ट्रैक्टर है न्यू होलैंड का 4710, वो हमें कमेंट करके बताना कि ट्रैक्टर कैसा है, किस हिसाब से चल रहा है, जितने लोड में चल रहा है तो इसकी फ्यूल कंजप्शन कितनी होगी, एक अंदाज़ा होता है। देखो जिसके पास ट्रैक्टर होता है वो अंदाज़ा लगा ही देता है कि इतने यहाँ इतना खा जाएगा। और बाकी कुछ जो हमारे एक्सपर्ट भाई हैं वो भी इस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं कि ट्रैक्टर कितने लोड पर चल रहा है और कितना तेल ये खा जाएगा। और भाई एक बात और बतानी थी, एक भाई ने कमेंट किया था कि 4x4 रूटावेटर पे क्या फ़ायदा है। भाई वो 4x4 का रूटावेटर पे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। 4x4 का जब फ़ायदा होगा, अगर हम टीलर खींच रहे हैं या टीलर जुताई चल रही है या हैरो की जुताई चल रही है, मतलब कि जो भी पुलिंग वाले इम्प्लीमेंट हैं जिससे खींचने के मतलब जो खींच के चलते हैं, रूटावेटर तो सिर्फ आपकी पीटीओ में दम होना चाहिए, ट्रैक्टर का पीटीओ पावर अच्छा होना चाहिए। बाकी 4x4 का कोई लेना देना नहीं है।
भाई वो मैं एक चीज़ जरूर देख रहा हूँ ट्रैक्टर की कि इसके पीटीओ जो चक्कर हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल टायरों से भी आगे मिट्टी जा रही है। बाकी भाई लोगों, जो भी भाई एक्सपर्ट बंदा भाई देख रहा होगा वीडियो तो कमेंट करके बता दियो कि कोई बात गलत कह दी हो कुछ भी, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा बुद्धिजीव नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट पता होगी। बस मेरा तो एक मानना रहता हमेशा कि वीडियो ऐसी बनाओ कि अच्छे से ट्रैक्टर चलता दिखे, साफ दिखे, आवाज़ साफ आए। वैसे अगर ट्रैक्टर की साउंड की बात करें तो साउंड कम है ट्रैक्टर की बहुत। देखो 4x4 चाहे गियर लगा लो चाहे ना लगा लो, रूटावेटर पे कोई फर्क नहीं है। तो भाइयों कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लगी।